राजधानी लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड में शामिल शूटर संदीप उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 6 शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में संदीप, गिरधारी, रवि यादव, शिवेंद्र सिंह, राजेश तोमर, बंटी ने गोलियां चलाई थी। इसमें से संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हम लोगों को एक सफलता इसमें यह प्राप्त हुई है कि थाना विभूति खंड एवं अपराध शाखा के संयुक्त टीम द्वारा शार्प शूटर जो इस घटना को अंजाम देने में साथ निभाया था, संदीप सिंह उर्फ बाबा पुत्र विजय निवासी ग्राम महुआर कला थाना बलुआ जनपद चंदौली की गिरफ्तारी आज की गई है। कल इनको पूछताछ हेतु जनपद अंबेडकर नगर से बुलाया गया था और देर रात तक पूछताछ इनके साथ किया गया। पूछताछ इनसे जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार ये ज्ञात हुआ कि इस घटना में कारित करने हेतु 7 लोग ने अलग अलग रोल्स निभाए। संदीप के साथ गिरधारी उर्फ डॉक्टर उर्फ कन्हैया, रवि यादव, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, राजेश तोमर उर्फ जय, बंटी उर्फ बीरू उर्फ राजेश उर्फ मुस्तफ़ा ने मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कठौता चौराहे पर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। साथ पासी में बंधन सिंह भी अपने लाल रंग के डस्टर के साथ उपस्थित था। वहीं अजीत सिंह हत्याकांड की जड़ अब मुन्ना बजरंगी के हत्यारोपित सुनील राठी से भी जुड़ रही है। गैंग वॉर में जिस शूटर को गोली लगी थी उसकी लखनऊ पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक घायल शूटर अलीगढ़ निवासी राजेश तोमर है। राजेश कुख्यात सुनील राठी का करीबी है और वो अजीत सिंह हत्याकांड में भी शामिल था। देखिए, ऐसे घटनाएं ना हो इसके लिए हम लोग ये राजेश तोमर जो सुनील राठी गैंग का है उसका क्या कनेक्शन इस उससे है? मैंने आपसे कहा कि राजेश तोमर जो कि जय के नाम से जाना जाता था और वीरू, ये दोनों सुनील राठी गैंग के साथ संबंध रखते हैं और ये घटना को कारित करने हेतु गिरधारी द्वारा इनको यहाँ पर लाया गया था। यही बात प्रकाश में मैंने आपसे पहले कहा कि 1 साल से लोग इनके पीछा कर रहे थे और मृतक की पत्नी ने धनंजय सिंह का नाम तहरीर दिया था, उस मामले में क्या हुआ? उसको भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है और जैसे जैसे सबूत हम लोग के सामने आएंगे उसे अनुसार कार्रवाई होगी। अभी नहीं और परंतु जैसे मैंने कहा कि विवेचना की जो भी मांग होगी उस अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि बीते 7 जनवरी को मऊ जिले के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल अजीत सिंह बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। इस गोलीबारी में अजीत का एक साथी भी घायल हुआ था। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।